भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री से 40 टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। इस लीकेज की वजह से अप्रॉक्स 3800 डेथ्स हुई, बट एक्चुअल नंबर अब भी अनकाउंटेबल है। गैसेस के इफेक्ट्स जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल अब भी मर रहे हैं। पर ये डिजास्टर हुआ क्यों, इसके पीछे कौन कौन था? ये डिजास्टर कम्प्लीटली रोकी जा सकती थी, बट न कंपनी और न ही हमारी गवर्नमेंट को इसकी पड़ी थी। हर लेवल पे लैप्सेस थी। जिस टैंक में ये गैसेस स्टोर होती थी उसकी कैपेसिटी 30 टन्स थी, बट उसमें 42 टन्स गैसेस स्टोर की जाती थी। बहुत सारी वार्निंग्स और लीकेज के बाद भी कंपनी ने सर्विसिंग नहीं करवाई। इतने बड़े डिजास्टर के बाद वैरन एंडरसन CEO ऑफ कंपनी को इनिशियली अरेस्ट किया गया, बट बेल पे वो बाहर आ गया और इंडिया छोड़ के भाग गया। आज तक हमारी गवर्नमेंट उसे वापस इंडिया नहीं ला पाई। ट्रेजेडी की रात जब पूरा भोपाल दर्द से कराह रहा था, तब कुछ हीरोज थे जो हिम्मत करके लोगों के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि गुलाम दस्तगीर, ए रेलवे मैन, अब्दुल जब्बर, ए सोशल एक्टिविस्ट। वी सैल्यूट द ट्रू हीरोज। साथ ही साथ वी वांट आवर आंसर्स, वी वांट जस्टिस फॉर ऑल द विक्टिम्स हु आर स्टिल सफरिंग, एंड ऑल्सो एश्योरेंस कि दिस विल नेवर हैपन अगेन एंड अगेन।